20 मार्च को ही दारा सिको का जन्म हुआ था 1615 ईस्वी में शाहजहाँ की प्रिय पत्नी मुमताज महल के द्वारा। दारा सूफियों की कादरी परंपरा से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। कादरी सिलसिले के प्रसिद्ध संत मुल्ला शाह उसके आध्यात्मिक गुरु भी थे। लेनपुल ने दारा को लघु अकबरवी कहा है। शाहजहाँ ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से विभूषित किया है। दारा सिको ने स्वयं अपनी देख रेख में संस्कृत ग्रंथ भगवद गीता योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद भी करवाया था। दारा की सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वेदों का संकलन है। उसने वेदों को ईश्वरीय कृति माना है। दारा सिको ने एक मौलिक पुस्तक मज्म उल बहरीन यानी दो समुद्रों का संगम की रचना की, जिसमें हिंदू और इस्लाम को एक ही ईश्वर की प्राप्ति के दो मार्ग बताए थे। दारा ने स्वयं और काशी के कुछ संस्कृत के पंडितों की सहायता से पावन उपनिषदों का सिर ए अकबर नाम से फारसी अनुवाद भी कराया था। तो दारा सिको के सूफी मत से संबंधित जो ग्रंथ हैं उसमें सफीनत उल औलिया विभिन्न परंपराओं के सूफियों का जीवन वृत्त, सकीनत उल औलिया भारत की कादरी परंपरा के सूफियों का जीवन वृत्त, हसनात उल आफरीन विभिन्न संतों की वाणी का संकलन है, तरीकत उल हकीकत आध्यात्मिक मार्ग के विभिन्न चरण हैं, रिसालाए हकनुमा सूफी प्रथाओं का वर्णन है।